वेलकम बैक डे थ्री। तो कैसे हैं आप लोग? सो आज की हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं गोलगप्पे। तो सबको पसंद होता है, फेवरेट होता है। ऐसा नहीं दिखा रहे कि गोलगप्पे देख के नफरत ही होने का मन भी ना करे खाने का। तो प्लीज ऐसी वीडियो ना हो। देखते हैं कैसी है गोलगप्पा। दिस इज स्क्रिप्टेड कॉमेडी। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाका न्यूज के इस नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाका न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क। हमारा आज का मुद्दा है वैक्सीनेशन। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैक्सीन जो है कि आप ऑफिशियल सोर्स से ही लगाएं, पांडू वांडू के चक्कर में वैक्सीन लगाने पर क्या होता है आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कई लोगों को डाउट है कि जो वैक्सीन है लेने के बाद क्या होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑफिशियल जो है सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ पे जाके वैक्सीन ले सकते हैं। और इस बीच कई लोगों में भ्रांतियाँ भी हैं, कई लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन लेने के बाद क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। तो कई लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं वैक्सीन को, उसको हम लोग दूर करेंगे। इस बीच आइए कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो आइए मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोगों से हम बातें करते हैं और उस बीच उनकी राय जानेंगे वैक्सीन के बारे में। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। तो आइए देखिए, यहाँ पे एक कुछ लोग हैं, इनसे बातें करते हैं। हेलो सर, अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, सरकार कह रही है सबको कि वैक्सीन लगाइए। आपने लगा लिया? हाँ जी, मैंने लगा लिया। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया काम किया है आपने। लेकिन अभी हम जानते हैं कि कई, आपने भी सुना होगा, सरकार विज्ञापन दे रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, फिर भी कई लोगों को ये डाउट है। वो कहते हैं कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है काम नहीं करता, वैक्सीन लेने से कई तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। लोग डर रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? ये डरने की कोई बात नहीं है, इससे ये सब अफवाह है। इससे कुछ बीमारी वमारी नहीं, कुछ नहीं होती, फीवर वीवर कुछ नहीं आता है, ये सब अफवाह है। बहुत डरने की बात, क्या डरने की बात, बहुत भाग लगती है। मैं बगल के एक मर गया, उसको जिम्मेदार आप लेंगे या सरकार लेंगे? कौन लेगा? तुम लेगा? तुम लेगा? देखिए बहुत बढ़िया, ऐसे करके मारो तरसुन, मारो। बहुत बढ़िया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे युद्ध इनका छिड़ चुका है और ऐसे छोटे मोटे युद्ध की आवश्यकता है हमारे हिंदुस्तान में। तो युद्ध चलता रहेगा, लग रहा है कि वैक्सीन वाले ही जीतेंगे इसमें। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वैक्सीन जरूर लगाइए और देखते रहिए धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। आज जैसा कि देख सकते हैं गर्मी हो या बरसात, देखते रहिए धाकड़ न्यूज और धर्मेंद्र धाकड़ के साथ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क। तो अभी सरकार ने थोड़ी सी ढील दी है लॉकडाउन में, इसी बीच हम आए हैं सड़क पे ताकि देख सकते हैं कि लोग ढील में भी लॉकडाउन में नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आइए मेरे साथ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है गोलगप्पा खा रहे हैं। तो आइए उनसे थोड़ी सी हम बातें करते हैं, जान सके कि ये क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरकार ने थोड़ी सी ढील दी है नियमों में, फिर भी आप मान नहीं रहे, इतनी बारिश में भी गोलगप्पा खाने आ जा रहे हैं, तो इस पर क्या विचार है? एक्चुअली भैया, हमारी मर्जी, हमारे पैसे हैं तो हमारी मर्जी, हम खाएंगे पानी पूरी। अरे तो जैसे ढील दिया तो मानना ना चाहिए था, थोड़ा दिन मान जाती तो क्या हो जाता? भैया एक्चुअली वो बात ऐसा है ना कि हमारी मर्जी है और हमारे पैसे, और ये सब क्या है, लाइक कैमरा, प्लीज आप उधर जाइए। ये देखिए बारिश में भी, मतलब पानी में भी आ जा रहे हैं पानी पूरी खाने। रुकिए इनको खिलाते हैं हम लोग पानी पूरी। कैसे है जी? 10 रुपये प्लेट है। और प्लेट नहीं, पूरा का बताओ, पूरा कैसे है? पूरा 500 का है। 500 का है, इधर आइए मेरे साथ, आइए इन लोग को हम लोग खिलाते हैं पानी पूरी। धरो जी माइक, धरो तो तुम। खाइए आप लोग पानी पूरी। अब तो देखते रहिए धाका न्यूज आप, हम लोग यहाँ पे ले लिया है सारा पानी पूरी। अब देखिए उन लोग कैसे खाते हैं पानी पूरी। चलिए हमारे साथ काम करेंगे, इतना काम आगे आओ है टेम्पो, उससे भी लेना है। चलो हम लोग किसी भी तरह से करके नियमों का पालन करवाएंगे, चाहे गोलगप्पा उठाना पड़े या उठाना पड़े चाट, ये अब मारनी पड़े लात। आप देखते रहिए धाका न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ, बने रहिए हमारे साथ। पानी की क्या स्वाद आ रहा होगा? तुम भी खाओ। चलो ठीक नहीं लग रहा जी, पानी चोखो ले लेते तो मजा आ जाता।
और मतलब स्टार्टिंग इसकी वैक्सीनेशन से हुई, तो वैक्सीनेशन से ये है कि अब बूस्टर डोज भी आ गई वैक्सीन की, तो जिन्होंने नहीं लगवाई है वो भी जाके लगवा लीजिए, हो गया है तो अपनी लगवा लीजिए, जिनके 9 मंथ्स पूरे हुए राइट, तो उनकी भी डेट्स आ गई हैं, वो भी जाकर बूस्टर डोज लगवाएं और लड़े मत लगवाई है और जिन्होंने नहीं लगवाई है, क्योंकि ये हमारे सेफ्टी के लिए अपनी मर्जी है, अपनी सेफ्टी रखनी है, दूसरों की सेफ्टी रखनी, तो जरूर लगवाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं और गोलगप्पे खाएं और गोलगप्पे तो खाएं यार, ऐसे गोलगप्पे ऐसे नहीं खाएं कि मतलब उठा के ले जाओ उसके आगे, तो उठा के मत ले जाना फिर, और उठा के भी लाओ तो पानी भी, पानी और चोखा वो जरूर लेकर आना, और ऐसे किसी के हाथ में से तो बिल्कुल मत छीनना, सही बात है, नहीं उसने क्या अब खिलाता हूँ गोलगप्पे इनको खिलाता हूँ, सर्दी और बेचारा फिर भैया हमारी मर्जी हमारे पैसे हैं, हमको खाने हैं तो आपको क्या, आप जाओ यहाँ से, तुम क्या ये माइक वाइक लेके चलो निकलो यहाँ से, सही थी, ये अच्छी बनाते हैं यार हर्ष राजपूत, रहती है पर फनी रहती है, पता लगता नहीं है कि इनकी जो वीडियोस हैं वो मतलब स्क्रिप्टेड है और शॉर्ट वीडियोस रहती है, हाँ, और अच्छी रहती है, फनी रहती है, एक्टिंग भी तो लोग ऐसे करते हैं ना सेम जैसे कि हाँ रियल में चल रही हो न्यूज़, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल, उत्तम न्यूज़ चैनल धाकड़ रिपोर्टर, तो आप भी जाकर देखिए, लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, और अभी तक आपने हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।